तो नई जर्नी चालू, चलो नए सफर पे चलते हैं लेके आते। स्टेशन, अब चलो ट्रेन पकड़ते हैं, फिर बात करते हैं। एक लोग हम लोग को स्टेशन मिल गए, ये भी चल रहे साथ में। ये देखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम बताइए आपको रिसीव करने आए हैं, ये गिफ्ट लेके क्या? नहीं ये को बाजी में ढूंढ के बता रहा। चलिए आइए, हम आए कोई नहीं। एक बैग हो गया अपना, एक वाइट वाले पैकेट में अपना खाना है जो हम खाएंगे ट्रेन में और आपको दिखाएंगे भी। दो कितने दूर से चले आ रहे हैं, ट्रेन ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग की जो बोगी है वो बहुत आगे है, स्टेशन के आगे ही लग रहा है। यहाँ खत्म हो रहा है सारी दुकानें, चलो देखते हैं भी कितना आगे और चलना है। चलो चलो फिर मिलते हैं। ये देखो ये आदमी कौन है, ये पहले से बैठा है रुमाल रख के जगह छेकने के लिए। देखो हम लगा के, ये हम लोग की होगी। इसकी एक खूबी है, इसको अगर उतारना है तो आपको यहाँ से खोलने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर जिप दी हुई है, इसको यहाँ से खोलो और यहाँ पर भी है, इसको यहीं से निकाल सकते हैं। ये देखो ये इस तरीके से निकल जाएगा बिना जूता उतारे। और इसी में का सेम लोअर देखो हमारे देखे देखा लिए हैं रवि भैया, अभी अपना उतार के बैठे हुए हैं। रवि भैया कुछ बोलना चाहेंगे? आधा पैंट, ये जब ट्रेन में चढ़े थे तो इनकी पैंट फुल थी, अभी इनके फोन की तरह इनकी पैंट भी आ गई, आधी हो गई और आधी देते हैं। ये देखो ये है फायदा, हो गया ये हाफ। और इसको इसका सबसे प्लस पॉइंट है जो इसकी जिप है, ये कलर सेम देते हैं क्या आप मिला सको। देखो इसका कलर अलग रहेगा, ये है ब्लैक, ये है ग्रे। और वो हमारे रवि भैया नथिंग फोन वाले। ये देखो यहाँ पे हम लोग का बन गया गुल्लक, अब यहाँ पे अकाउंटेंट है, यही खर्चा करेंगे हम लोग, खाली मजा लेंगे मजा। इनका नाम भी सेठ है, इनका नाम सेठ है तो उनके सारा पैसा इनके पास खींचा चला जाता है। ये देखो इतना मोटा पर्स, तो रवि भैया सेठ होने का आपको फायदा मिल रहा है, इतना मोटा पर्स इसमें हम लोग का पैसा है। हाँ सेठ जी को पैसा लेने के बाद, ये देखो पैसा जब ले लेते तब ये निकालते अपना खजाना, फिर उसके बाद पैसा कॉस्ट कटिंग होता है उसके बाद। ये है भाई काजू वाली है भी, ये काजू वाला पराठा ये अपने हाथों से बनाते हैं ना। खोल के दिखाना? हाँ खा के दिखाइए। नहीं निकला तो नथिंग हो गया तो। ये अभी नया फोन लिए थे ट्रिप पे आने के लिए नथिंग का, और फोन कहाँ है? फोन नथिंग है। फोन के साथ कांड हो गया, इसी में डाल देते हैं। फोन के साथ इनका कांड क्या हो गया, ये मंगाए 12 GB का, पकड़ गया तो इसको। ए, आपको मिला कौन सा? 8 GB। कंपनी आपको नथिंग कर। उस चक्कर में फोन लेके नहीं आए ट्रिप पे, और यहाँ पे पराठा पराठा बेच रहे हैं। पराठा 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 कैसे प्ले आपका है, कितना रुपया है पराठा? नथिंग। इनको नथिंग में कैसा झटका लगा, हर चीज में नथिंग हो जाता, सदमा लग गया। ये देखो हम लोग खाएंगे पराठा। डिस्पोजेबल नहीं, ये सब्जी भी लेके आए हैं।
सादा रोटी है तो फिर सब्जी चाहिए ना, इसको खोल लीजिए। सादा रोटी इसको करते हैं? अरे अभी और ये है महाराज, ये आदमी नथिंग हो गया है, डिब्बा नहीं खोल पा रहा है। अरे नथिंग का कितना प्रचार हो रहा है, कितना सुबह उठे थे बनाने के लिए। अरे हम थोड़े बनाए <बनाया। laughs> ये उठा लो, ये तो गाते थे हम लोग। आप कह रहे टेस्ट कुछ गड़बड़ है, भाभी जी बनाएंगे इसलिए। खाइए मखाना पनीर है। बस 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 बस, इवन को फीडबैक चाहिए था, फोन लेने से पहले फीडबैक नहीं लिए थे ना, ना वो नथिंग ले लिए था ना इसीलिए इनका नथिंग हो गया, नथिंग के लिए कोई फीडबैक नहीं। प्रसाद कैसा है? श्री 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 1008 रवि से भाभी जी महाराज मुस्कुराहट इधर है। अरे खाएंगे कि लटकाएंगे? रखे पहले कि पहले खाने ही। बहुत पतला पराठा आप बनवाए हैं, इसके साथ सब्जी की जरूरत। ये देखो काजू बहुत ज्यादा है, आपको पहाड़ा याद है? नहीं है तो याद कर लो, देखो ये है स्टेशन, पहाड़ा स्टेशन वहां पे मेंशन है। तो ये देखो मिर्जापुर से निकल ली गाड़ी, ये था मिर्जापुर स्टेशन, यहाँ पे ये गया। जैसे हम लोग बनारस से छोड़े हैं, देखो मौसम क्या मस्त हो गया बनारस का। और ये अभी हम लोग आ गए हैं विंध्याचल मिर्जापुर के बाद, और यहाँ पे तो अब यहाँ से चलेगी ट्रेन और सीधे हम लोग पहुँचेंगे छुईकी इलाहाबाद प्रयागराज। यहाँ पे है सोलर सिस्टम कितने बड़े लेवल पे, काफ़ी बड़ा। तो आगे हम छुईकी इलाहाबाद, यहाँ से देखो गाड़ियाँ होंगी फुल जो कि अभी थोड़ी खाली हैं अपनी सीट्स पे। तो आ गए हम लोग छुईकी इलाहाबाद, यहाँ पे सोलर सिस्टम देखो कितने बड़े लेवल पे लगा है, पूरा खेतों में पूरा ढका हुआ एक लाइन से काफ़ी बड़े में। तो यहाँ पर बिजली की समस्याएँ दूर, गई माल गाड़ी जिसका माल गायब है ना। तो देखो स्टेशन आने वाला है छुईकी इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद, इसका नाम है बहुत सारा है यहाँ पे नहीं सब जनों वाले हैं। ये देखो भीड़ कितने लोग चढ़ेंगे अभी। ये देखो ये है प्रयागराज छुकी सर्कल चले गए थे फिर साथ। ये देखो तो हम लोग का तो बोगी नंबर है A1, ये है हम लोग का
और ABCD पे टी शर्ट पे लिखी है, ये देखो अब यहाँ से चलेगी ट्रेन भर के, अभी तक खाली थी पूरी। चलो अंदर वापस। तो अभी तक हम लोग ने बताया नहीं कि हम लोग जहाँ खा रहे हैं। तो एक बार रवि भाई कहाँ जा रहे हैं बताइए, पहुँच के बताएंगे। अब पहुँच के बताएंगे, कल सुबह अब पहुँच के बताएंगे, बताएंगे दिखाने के साथ। क्या चीज़? जगह दिखाने के साथ। अच्छा, हमें लगा उस जगह पे पहुँच के बताएंगे। बहुत बेकार, नथिंग जैसे बंदा बोल लिया है नथिंग, तसे हर चीज़ में नथिंग हो गया है। नथिंग और सबके शॉर्ट्स देखो एकदम सेम लग रहे हैं, खाली उस बंदे का नहीं। हम लोग ब्लैक ब्लैक में वही इकलौता पिंक है। तो आप ब्लैक क्यों नहीं पहने? ब्लैक आप पहने, देश जानना चाहता है। ब्लैक आप पहने देश के, इंडिया वॉल टू लेंगे। और आप ट्रिप के लिए नया फोन लिए, तो आप लेके क्यों नहीं आए? ये पुराना फोन आप यही वाला पुराना है उसका, आगे से दिखाइए जो स्क्रीन टूटी हुई है, जो स्क्रीन टूटी है वो दिखाइए, वो जो लाइट जलाइए। फोन टूटा हुआ लेके आए बताइए ट्रिप पे, कोई बात होता है? देश जानना चाहता है आपसे। नया फोन कहाँ रखे हैं? नया फोन ये अभी तक पैकिंग नहीं खोले, दुकान में रख के आए हैं। उसको भी बेचेंगे, ये किराए पर चलाएंगे, जैसे वीडियो गेम चलता था वैसे अपने नथिंग को चलाएंगे। और कंपनी बोलेगा नो थिंग नो इनकम, है ना? मस्त बादल है, पानी अच्छा बरसता हुआ नहीं दिख रहा है अभी तक, कहीं पानी नहीं बरस रहा है, खाली बादल है बादल। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, पानी बरस रही है, देखो बाहर बारिश। गुड मॉर्निंग, देखो सवेरा हो गया, क्या मस्त व्यू दिखता है ना, पूरा स्क्रीन मूवी की तरह। अभी हम लोग निकलते हैं बाहर, फिर बताते हैं जा जा रहे हैं या उस जगह पे जाके मिलवाते हैं। ये देखो मौसम, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, ये देखो स्टेशन है, मौसम बना हुआ है, बड़ा मस्त है, एकदम ठंडी है, बड़ा सही लग रहा है। तो एक बार आप यहाँ का स्टेशन का बादल देखो खाली, ये देखो पीछे क्या मस्त क्लाउड है और फुल स्पीड में है। और एक मस्त चीज़ और दिखाते हैं आपको, इंडियन आर्मी, देखो ट्रेन पहली बार, तो ये देखो ये है इंडियन आर्मी की ट्रेन, पूरी मस्त ग्रीन, इस पर देखो इंडियन आर्मी मेंशन भी है, और इतने सारे जवान। ये है अपनी इंडियन आर्मी, और ये अपनी वातानुकूलित गई, और वातानुकूलित जितना अंदर था उससे ज़्यादा तो बाहर है, नहीं बाहर का मौसम गजब ठंडा, मस्त ठंडा है, फर्स्ट एसी चल रहा है बाहर, हम लोग अंदर सेकंड एसी में थे, बाहर फर्स्ट एसी चल रहा है, मस्त लोकेशन है एकदम, और बादल की स्पीड खतरनाक है, मस्त। इसीलिए हम रवि कहते हैं हमारे साथ चला कीजिए, आपको मौसम भी बढ़िया मिलेगा। संजय सेठ जी कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? ये ट्रिप कहाँ की है? आप ये बताएं पहले, ये ट्रिप पता चलेगा वहाँ पहुँचने के बाद। इस आदमी में बहुत राज छुपे हैं, इसीलिए इसका बैग बंद नहीं हो रहा है। तो अभी क्या लॉक कर रहे हैं? राज बाहर आ गया था ना, ओ इसमें वो वाला राज है, मत आओ मेरे करीब ना, जो बर्बाद कर और ये बर्बाद हो रहा है, ये बर्बाद होना चाहते हैं। ट्रेन जाए उसके पहले पानी पी लीजिएगा, बोतल खत्म करिए, इतना बोतल धोने का फायदा आइए। यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं, ये बोतल खत्म करने को बोले, ये बोतल निकाल भी लिए, जवान आ रहा है। हाँ अरे ट्रेन हर कोच के बाहर देखिए वो खड़े हैं कि कोई घुस ना सके, बड़ी माँ मारेंगे सब, जवान है अपनी सेना, सब पानी बरत। ये देखो
हर उसके आगे देखो कुछ कुछ दूर पे ये लोग खड़े हैं।